एम के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार बन रही है। कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद शहर में 443 और 43 स्कूल है। 100 स्मार्ट स्कूल बन रही है अभी, 80 स्मार्ट स्कूल अहमदाबाद में। स्कूल का एक एक रूम जब बच्चा पढ़ रहा है, गुजरात में जितने बच्चे प्राथमिक शिक्षण मुफ्त 1960 से चल रहा है, यहाँ कॉरपोरेशन में अभी 1,70,000 से ज़्यादा बालक पढ़ रहे हैं। गरीबों के सभी बालकों को आठवीं के बाद, उनकी आठवीं कक्षा के बाद भी उनका अभ्यास तय हो उसी व्यवस्था है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए भी है। मेडिकल के स्टूडेंट पहले की पूर्व से विश्व भर में अपना नाम, ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी आए और उसके बाद में ही विकास की प्रक्रिया। अभी वो दावे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनके आने के बाद ही गुजरात बना हो, तो ये एक बात है। हाँ, पहले मान लीजिए कि साधन कम थे और जैसे जैसे विकास होता गया तो वो साधन बढ़ते गए और सभी सुविधाएं बढ़ती गईं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुश्किल ये है कि 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बजाय उसके वो कांग्रेस के शासन को कोस रहे हैं।
दुनिया भर में अपना डंका बजाया है, उन्होंने अपने आप अपने परसीने से ये सब किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये हर चुनाव में यही बातें करना, 27 साल पहले क्या था, मेरे ख्याल से पीढ़ी बदल गई। 27 साल से इन्होंने देखा ही नहीं नई पीढ़ी ने कांग्रेस का शासन क्या था, तो वही रटते रहते हैं, वही अल्टीमेटली वो हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं, क्योंकि वोट लेना है तो हिंदू मुस्लिम के बारे में गुजरात की जनता बहुत सेंसिटिव है, तो वही लाभ ले रहे हैं। जी, आप पत्रकारिता के नाते रहते हैं, साथ में कांग्रेस के हमारे साथी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हरी भाई एक वरिष्ठ नेता है मेरे, इसमें उनका गुजरात के मैं नेता नहीं है, आपका मित्र हूँ। अच्छा, मतलब कांग्रेस के समर्थक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कांग्रेस के समर्थक है, लेकिन उनकी विचारशैली ऐसा है, उन्होंने जो देखा है उनमें से, अभी आपको एक लेख देखा होगा उनका, जो परिपक्वता है पत्रकारिता वेबसाइट जी, वो बहुत अनुभवी है, उन्होंने देखा है, आपने बोला विकास मॉडल जी 27 साल पहले की, अरे भैया 27 साल पहले जब कांग्रेस का शासन, अमर सिंह भाई का लास्ट शासन पूरा हुआ और नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तभी जो भाई आ गए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, का शासन आया केशु भाई, नर्मदा का पानी की बात की, नर्मदा का डैम की बात की, अरे भैया 80 मीटर से रखा था आपने, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इतना उपवास पे बैठना पड़ा नरेंद्र भाई को, केशु भाई ने नर्मदा का लिए क्या किया है सब लोगों को पहचान है, सबको जानते हैं कि गुजरात में नर्मदा का काम किसने किया, सरदार सरोवर डैम का नीम तो जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल पहले रखा था, उसके बाद उनका शासन में कोई ना कोई ये मेगा पाटकर जैसे सभी लोगों ने रोड़े डाले, सभी को पता है गुजरात की जनता को कि मेगा जी ने क्या किया, किस तरह से चिमन भाई ने भी एक नर्मदा डैम के लिए जो काम किया था उसको भी भूल नहीं पाते, बिना कांग्रेस की सरकार थी जी, चिमन भाई की सरकार में भी काम हुआ, कहा ना बोले कांग्रेस ने नहीं रखा, लेकिन उसका काम को आगे बढ़ाना चाहिए, नरेंद्र भाई ने 14 को जिस दिन शपथ लिया उसके 15 दिन के बाद तुरंत उसको दरवाजे लगाने का काम किया, लेकिन 80 से 138 मीटर ले जाने का जो काम किया है भाजपा ने किया, भाजपा ने सभी कैनाल नेटवर्क का काम पूर्ण कर दिया था, यही पानी यहाँ से राजस्थान तक जा रहा है अभी जी, जिस तरह से रोका था तो दोनों राज्य में कांग्रेस की सरकार थी जी, गुजरात सरकार को अभी भी करोड़ों रुपये महाराष्ट्र सरकार से या MP सरकार से राजस्थान सरकार से लेना होता है, कुछ नहीं मिला, इस तरह से फिर भी नर्मदा का काम भाजपा ने किया जी, इसमें कोई गलत हो रही नहीं है, सबको पता है कि गुजरात में नरेंद्र भाई के शासन में और भाजपा के शासन में क्या हुआ, आम जनता दिखती है, साहब ने बोला अभी का बच्चे को पता नहीं 27 साल से भाजपा की सरकार है, सही है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है यहाँ, अभी इन्होंने बात किया कौमी दंगल की, हम वो बात पे नहीं जाना चाहते थे, 85 का दंगे सबने देखे हैं, 2000 साल के भी देखे हैं, सभी चुनाव के पहले जिस तरह से अभी 20 साल से एक दिन कर्फ्यू नहीं हुआ जी, बड़ी बात, एक दिन कर्फ्यू नहीं हुआ, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा एक कि जब कांग्रेस का शासन था तो सांप्रदायिक माहौल खराब रहता था, और ये मुझे लगता है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं वहाँ पे सांप्रदायिक माहौल में काफ़ी कमी आई, दंगों में कमी आई, चाहे आप गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ दंगे अक्सर हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धि तो माने गया। अवस्थी जी जी, 2002 में गुजरात में किसकी सरकार थी? भाजपा की थी, मोदी साहब CM थे, गुजरात में कितने महीने तक कर्फ्यू रहा दंगे की वजह से, किसके शासन में वो दंगे हुए, ये बोल रहे हैं ना कांग्रेस के शासन में दंगे होते थे? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कहीं कहीं सेंट्रल की सह रहा करती थी उसके कारण, इसीलिए अब नहीं हो रहा है, डबल इंजन की सरकार। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने नेशनल न्यूज़ में आपने देखा होगा 2002 में देश का अगर सबसे बड़े में बड़ा दंगा हुआ होगा, सबसे ज़्यादा दिन कर्फ्यू रहा होगा, उसमें से एक दंगा 2002 का होगा जिसमें हमारे आज हाल के प्रधानमंत्री उस टाइम के CM, उनको उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने उस टाइम के प्रधानमंत्री थे
अटल स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने राग धर्म निभाने का आदेश दिया था, वो क्यों देना पड़ा वो भी पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात, चलिए मैं हिंदू मेरे से डिजिटलाइजेशन फोटोग्राफी के लिए, इनसे पूछिए वो हॉट एयर बलून कहाँ है आज, नहीं दिखता है। वो खुद बैठते ओपनिंग करते, वी फॉर विक्ट्री बताते, लोगों को चुना लगा के चुनाव के बाद चले जाते। आप इनसे रोजगारी की बात करते कि भाई पर्चा फूटा है कपास का, विषय पूछिए। जब जब गुजरात में कौभांड हुआ है, थानगढ़ में दलितों पर अत्याचार हुआ, पूछिए कितने लोगों को सजा दिला पाए, कितनों को जेल में बंद कर पाए। बोटाद में लट्ठा कांड हुआ, गांधी और सरदार की विचारधारा वाली इस गुजरात की भूमि में होम डिलीवरी में दारू मिलता है। चलिए मिलता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, पर लट्ठा कांड जिसमें 150-150 लोग मर जाते, पूछिए कितनों को पकड़ के जेल में डाला। हर जब गलती होती है, भ्रष्टाचार मॉडल, गुजरात का भाजपा का भ्रष्टाचार मॉडल, जिसकी वजह से ये सब कौभांड होते, लाखों करोड़ों रुपए के मिलते, कमलम में जाते होंगे थोड़े बहुत और सेटिंग होगा। ज्यादा बोल रहे हैं नहीं, मैं संसदीय भाषा यूज कर रहा हूँ। मेरे आक्षेप को आप नकार सकते हो, पर मैं आक्षेप कर सकता हूँ, संसदीय भाषा है। इनसे पूछिए, इतने सारे मैं आक्षेप लगा रहा हूँ, ये सब कौभांड हुए, कोई ख्याली पुलाव तो है नहीं। मीडिया ने भी ये सब चीजों की नॉन लिए, एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी घटना होगी, मोरबी केबल ब्रिज टूटेगा, एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। लट्टा कांड होगा, एक भी, अरे भाई एक चमरबंदी को पकड़ के तो दिखाओ, नाम तो बोलिए। सुनिए विकास मॉडल क्या है, सुनिए। इनसे पूछिए, मुझे 27 साल के भाजपा के गुजरात के भाजपा शासन में एक पूर्ण सरकारी अस्पताल अगर इन लोगों ने बनाया, एक पूर्ण, अभी बता दूं, आपके मेरी बात बैठे हो भैया, सरकारी 1200 बेड का हॉस्पिटल, सरकारी नहीं है, चार्जेबल है। हरिभाई देसाई को कॉल कीजिए, हरिभाई देसाई को पूछ लीजिए, नहीं हरिभाई देसाई को पूछिए वहाँ चार्ज है कि नहीं। अरे भैया मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, 400 करोड़ का हॉस्पिटल, कांग्रेस के शासन में सिविल हॉस्पिटल, वीएस हॉस्पिटल, मैं आपको 50 यूनिवर्सिटी गिना सकता हूँ और 500 कॉलेज और स्कूल बता सकता हूँ कांग्रेस के शासन में बनी हो, कंप्लीट फ्री। एलडी इंजीनियरिंग, बीजे मेडिकल कॉलेज, जामनगर की जाम रंजित शाह, जिसको इरविन, सुनिए, अरे सेल्फ फाइनेंस, आप लोगों ने आप लोगों ने कमाने के लिए खोली, जितने भाजपा के नेता है वो जब सत्ता में आते हैं तो सेट होना पड़ता है, करोड़ों रुपए चाहिए, पैसे चाहिए। जो कांग्रेस के और विपक्ष के जो धारा सभ्य आते हैं, जिसको लोग मैंडेट देते हैं, उनको भरपाई करके तोड़ फोड़ के, जब चुनाव में इनकी पार्टी को जब गुजरात की जनता मैंडेट देने का मना बोलती है, वो सबको तोड़ जोड़ की नीति में जो पैसा लगता है कहाँ से आता है, ये इनके जो नेता लोग हैं वो सेट हो जाते हैं, प्रोटोकॉल जगह पे आ जाते हैं, फिर उनकी दुकान लगाते हैं, ऐसी आउटसोर्सिंग की, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज,
सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, ये सेल्फ फाइनेंस हॉस्पिटल, इनसे पूछिए। मैंने स्पष्ट रूप से माना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकारी चीज बता रहे हैं, एक सरकारी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, उसके उसके बाद भी कांग्रेस को क्यों नहीं सत्ता हासिल होती है? उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनाव करती है, जनता पे प्रभाव है ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो तमाम आरोप लगाए हैं आपके ऊपर जी, अहमदाबाद में उन्होंने बोला मुफ्त की दवाई 16-15 साल पहले, नहीं जब कांग्रेस का शासन था, सिर्फ सीएससी था, अभी 16 हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल 16, वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो आप जाके देखिए, कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस का नहीं है भैया। अरे आपको देखिए, आप कांग्रेस का स्टेडियम स्टेडियम नया बना नहीं सकते, तो सरदार साहब के नाम के बाजू में मोदी साहब की नेम प्लेट लगा दो, फिर बोलते उसको हमने खाली स्टेडियम नहीं रखा है, हमने उसको स्पोर्ट्स सेंटर बना दिया। अरे भाई साहब, गिफ्ट सिटी की जगह क्यों गिफ्ट में दे दी उद्योगपतियों को? वहाँ बना लेना था ना, अगर उनको मोदी जी का स्टेडियम बनाना था तो गिफ्ट सिटी की हजारों करोड़ों रुपए की जगह जो उद्योगपतियों को दी थी, 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस है, वहाँ बनाना था ना। अरे सरदार साहब की बड़ी मूर्ति बनानी है, पर साथ में सरदार साहब का नाम छोटा करके मोदी जी का नाम बड़ा करना है। रामनगर में गुड़से के मंदिर बन गए, सोमनाथ बनाया पता नहीं, प्रधानमंत्री सब मंदिरों का डेवलप, मंदिर बनाया, पर साथ में गुड़से का मंदिर क्यों बन रहा है? गांधी के गुजरात में गुड़से का मंदिर क्यों बन रहा है? उस पर जवाब नहीं देगी, चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी। कांग्रेस के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारा वरिष्ठ पत्रकार और साथ में हमारे यहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं अरविंद शर्मा, इन्होंने भी चुनावी कई जनसभाओं को देखा है, यहाँ के मिजाज को परखा है, जनता की नब्ज को देखा है, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे अरविंद शर्मा जी, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो विकास मॉडल पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है राजनीति में, क्या वो विकास यहाँ नहीं हुआ है वास्तव में? और वर्तमान में जो स्थिति है सभी राजनीतिक दलों की, क्या लगता है आप लोग, क्या देखा? देखिए, इस बात का जवाब तो मैं अमित भाई से लेना चाहूँगा। नायक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। 2017 से आपकी पार्टी से विधायक टूट टूट के भाग रहे हैं, आपके जो विपक्ष के जो अभी नेता थे मोहन राठवा वो भी चले गए, लगातार आपके नेता जा रहे हैं। 5 सालों में आप कब सड़कों पर जनता की लड़ाई के लिए उतरे थे, कोई उदाहरण है आपके पास? अरविंद जी, अच्छा सवाल है और पूछना ही चाहिए। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस शासन में नहीं, यानी वो जो चीज लोग सत्ता में आते पहला तो स्लोगन होता है कि लोगों की सेवा के लिए, चलिए मान लेते, पर दूसरा जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं मन के अंदर बैक ऑफ द माइंड सेट होने की नीति भी होती है, वो सेट होने की जो नीति है जिन पॉलिटिशियनों में, वो सेट करने के लिए तो उनको वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इधर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीआर पाटिल जी को बनाया गया था, उनके पहले ही दिन शपथ ग्रहण के दिन उन्होंने बड़े जाहिर मंच पर से एक बड़ी बात बताई थी, एक भी कांग्रेसी को मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मुझे कांग्रेस के अरे भाजपा के संगठन पे इस पर मत जाइए अमित भाई, अब सवाल इस बात का है कि आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे? देखिए आपके बताइए, नहीं नहीं आप इस बात का उनके आरोप का जवाब मत, आप ये बात का जवाब दीजिए कि आप अपने विधायकों क्यों नहीं संभाल पा रहे, आपकी पार्टी में क्यों भगदड़ मची हुई है हर चुनाव में? मैं स्वीकारूंगा, भगदड़ भी स्वीकारूंगा, क्यों जाते उसका जवाब देने भी कैपेबल हूँ, खाली आप सुन लीजिए। अगर कांग्रेस के विधायक गए उनको मैं रोक नहीं सका, मेरी पार्टी रोक नहीं सकी, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि नहीं गए, इनकी तरह नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं कोई नहीं, आप इनसे वो सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 27 साल का भाजपा का विकास मॉडल है, वाकई में मोदी जी विकास पुरुष है, वाकई में डबल इंजन है, वाकई में विश्व के सबसे ज्यादा पेज कमेटी, फकरा समिति, कार्यकर्ताओं की कमेटी, तो भाई कांग्रेस के लिए लाल जाजम बिछा के गुजरात चुनाव में 182 सीट में से 22 कांग्रेसियों को टिकट क्यों दिया? कौन सी मजबूरियां है? उसको अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर ढाल रहे हैं। कमजोरी मैंने स्वीकारी, आप अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर ढाल रहे हैं। इसका जवाब आपसे लेता हूं कि 22 कांग्रेसियों को टिकट दिया आपने, 22 कांग्रेस को टिकट दिया, दो आदमी कांग्रेस छोड़कर आया जी भाजपा में और भाजपा की विचार सरणी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हमने उसको टिकट दिया, हमने टिकट नहीं, वो विधायक बिना टिकट के कोई विचारधारा से नहीं जुड़ा, विधायक थे जब राजीनामा देके कांग्रेस की
विचारधारा छोड़ के आए, हमें नरेंद्र भाई की विचारधारा को उनको एक्सेप्ट किया। वीरेंद्र भाई का अरे आप 3 से 6 साल चुनाव जीते आदमी चले आते हैं, उनको कुछ दिखता होगा ना 20 साल से गुजरात में भाजपा का शासन में उनके विस्तार में कैसे काम हुआ सब दिखता है। गुजरात का विकास मॉडल की बात किया भाई ने हॉस्पिटल की, मैं वो प्रश्न लूंगा जी, क्योंकि उन्होंने बोला मैंने बताया कि 16 सिविल देख लो, अहमदाबाद का एशिया का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल में किटी हॉस्पिटल देख लो, यहाँ की आई हॉस्पिटल देख लो, वहाँ का 1200 बेड का दूसरा हॉस्पिटल बनाया ना कोविड में वो देख लो, कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होगा कि नया हॉस्पिटल नहीं बना। जिस तरह से वो मुफ्त में दवा मिलती है सिविल हॉस्पिटल में, मुफ्त में दवा मिलती है। मैंने बताया कि अभी अहमदाबाद महानगर ने 450 करोड़ से उनके विस्तार में, अभी पूर्व के विस्तार में सरदाबेन और एलजी हॉस्पिटल का नवीनीकरण करने का लाख काम किया, वो किसके लिए? अहमदाबाद में महानगर आई हॉस्पिटल चलाती, डेंटल हॉस्पिटल चलाती, इतने सारे बच्चों को 1300 डॉक्टर का पढ़ा दिए अहमदाबाद महानगर। कोई महानगर भारत में ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे इतने डॉक्टरों की पढ़ाई और हॉस्पिटल मुफ्त में चला रहे। फीस कितनी पूछिए, सेल्फ फाइनेंस मेडिकल में MBBS की, हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं नागेंद्र सिंह जी, हम जानना चाहेंगे नागेंद्र जी क्या बताएं, आपने भी काफी भ्रमण किया है और आप क्या देखते हैं यहाँ राजनीतिक स्थिति को, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और हालांकि आप पार्टी भी चुनावी मैदान में, क्या आपने देखा नागेंद्र जी क्या विकास वास्तव में नहीं हुआ? जो हम लोगों ने देखा है वो दिखता है कि आज विकास दिखता है हम लोगों, चाहे सड़क हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पर्यटन पे बड़ा काम हुआ है गुजरात में, और जिसकी प्रेरणा लेके अन्य प्रदेश भी उस काम को अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। किसानों की बात की जाए, किसानों पे भी काफ़ी उनकी आय को वृद्ध करने के लिए भी काम किया गया है इस सरकार ने, आपको क्या लगता है नागेंद्र जी बताएं आप? जैसे कि अभी हमारे हितेश भाई ने बताया कि बगल में SVG हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर 5 दिन एडमिट था, सरकारी अस्पताल है। जब मैं वहाँ एडमिट था तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि अब ये सरकारी अस्पताल है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर। मैं किसी पक्ष को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मगर बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी व्यवस्था बगल में जैसे भाई साहब ने बताया वैसे है। और लेकिन मैं फिर भी भाई साहब से एक प्रश्न पूछूंगा कि आप गुजरात में रोजगार पर क्या बोलेंगे कि यार कितना, अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस के मित्र से भी पूछता हूँ और भाजपा के मित्र से भी पूछता हूँ कि आप रोजगार किस किस फील्ड में कितने कितने रोजगार देंगे, और ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे कि अभी काम हो रहा है, क्या कांग्रेस के जो साथी हैं कुछ बता पाएंगे कि वो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं गुजरात में, वैसा कुछ उससे अच्छा, उससे बेटर कुछ कर पाएंगे जी दोनों लोगों? आप बताएं गुजरात में ऊर्जा के लिए, आपने बताया गुजरात पहला स्टेट होगा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी के लिए। पहले जब नरेंद्र भाई का शासन नहीं था तब लाइट की जिस तरह से व्यवस्थित ऊर्जा, रात को खाने बैठना और 7 बजे के बाद क्या होता था गुजरात में हर गाँव में दिखा है, और अभी 2002 से हर घर को लाइट पहुंचाना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सोलर एनर्जी के ऊर्जा के लिए इतने सूत्र पैदा किए गुजरात में भाजपा ने, इस तरह से पूरा गुजरात में अभी 24 घंटा हर गांव को लाइट मिलती है, यहां से लाइट बिकने का काम हो सकता है। हर खेडूत अभी, हर किसान खुद का सोलर एनर्जी से लाइट चलाता है, रात को भी उसको लाइट चलाने की जरूरत नहीं रहती, उनकी ऊर्जा बचती है। हर घर को जिस तरह से सोलर टॉप लगाए, हर लोग, हर घर वाले, उनका लाइट का बिल मुफ्त हुआ है। जो बोलते हैं ना मुफ्त लाइट की बात करते हैं उनको, मैंने मेरे घर पे सोलर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जिस लोगों ने सोलर लगाए, आप मोढ़ेरा में अभी पूरा विलेज सोलर का हुआ, उन घर के लाइट बिल देखे तब पता चलता है कि किस तरह से सोलर के लिए गुजरात सरकार ने काम किया। क्या लगता है कि प्रथम चरण का चुनाव समीप है, भारतीय जनता पार्टी अपने किस स्थिति में पाती है, और क्या क्या आपने जो मुद्दे हैं, अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया आपका, क्या किन मुद्दों पे पार्टी चुनाव लड़ रही है? पार्टी चुनाव नरेंद्र भाई के नेतृत्व में लड़ रही है, पूरा भाजपा का हर कार्यकर्ता, इन भाई ने बताया पेज समिति है, वो समिति है, सब है। अरे भैया पेज समिति भी है, यहाँ काम कर दे, हमारे वहाँ मैं देखता हूँ ना, हमको शर्म आती है, ऐसा लगता है कि इस तरह से कांग्रेस का उम्मीदवार आज तक कार्यालय नहीं खुला, कहाँ काम हो रहा है?
अरे उनको उम्मीदवारी करते हैं, उम्मीदवार आके ठोक देते, 10 साल 10 बजे तक बाहर निकल नहीं रहे। कांग्रेस की चुनाव रणनीति को देखना चाहिए। उन्होंने बोला विज्ञापन, राजस्थान का विज्ञापन हर पेपर में आप देखते हो, दो दो पन्ने भर के। गुजरात मॉडल पूरा देश में चला है, गुजरात मॉडल पे विकास की बात है। यहाँ से अमरेली जाएंगे तभी पता चलेगा, यहाँ कच्छ जाएंगे तो भी पता चलेगा, यहाँ से डांग जाएगा तो भी पता चलेगा, यहाँ से द्वारका जाएंगे तो भी पता चलेगा, अंबाजी जाएगा तो भी चलेगा, अंबाजी से उमरगांव जाएगा तो भी पता चलेगा। विकास किसको बोलते हैं? विकास सब लोग देख रहे हैं, विकास को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एक अहमदाबाद में पहला 132 फुट का रिंग रोड बना था कांग्रेस के शासन में। 85 के शासन में कांग्रेस गई, 87 से गुजरात में महानगर में पहला शासन हुआ, वो आज तक वो रिंग रोड नहीं पूरा हुआ। और गुजरात भाजपा की सरकार ने यहाँ से 66 किलोमीटर का अहमदाबाद की पेरीफेरी में, अहमदाबाद में फर्स्ट रिंग रोड है, अब देख लेना उसको विकास बोलते हैं, किस तरह से काम होता है। विकास मॉडल देखने के लिए अहमदाबाद से अमरेली जाने की जरूरत ही नहीं है, खाली आप बारिश की सीजन में इधर आ जाइएगा और अहमदाबाद का कोई भी रास्ता पकड़ लीजिएगा या भाजपा के नेता उनका ट्वीट ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता और अहमदाबाद के प्रभारी को ही ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ता है कि तौबा बारिश में अहमदाबाद के रास्ते और खड्डे मेरी कमर तोड़ डाले, ऐसा उनके भाजपा के नेता ट्वीट करते हैं बारिश के सीजन में। दूसरा, वो भाई साहब का मैं जवाब देना चाहूँगा उनको, पहले दो चीज़ों पर मैं क्लियरेंस देना चाहता हूँ। जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट की बात की कि टोटल फ्री ट्रीटमेंट मैंने 5 दिन ली, वो बगल में जो अस्पताल है वो 2 अस्पताल है, एक VS जो कांग्रेस के शासन में बना है जो कम्प्लीटली फ्री है, और दूसरा जो बड़ा दिख रहा है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था उसका नाम है SVP हॉस्पिटल, वो PP आप SVP में थे ना, आप नए में थे ना, मैं आता हूँ ना आपकी बात पे आता हूँ, आप SVP में ट्रीटमेंट लिए हो, आपको टोटल फ्री ट्रीटमेंट मिला है। चलिए आपके आपके बहुत करना बहुत जरूरी है। नायक साहब बीच में रखोगा, आपके विधायकों का, आपकी पार्टी के विधायकों का भी इलाज SPP में हुआ है, मेरा खुद का इलाज 19 फिर उसी SPP में हुआ है, फ्री हुआ है। कोरोना काल में आप इसको झुकाएंगे? कोरोना में भारत की बात है, सबका इलाज कोरोना में फ्री हुआ है, पार्टी कोरोना का हुआ है, कोरोना में फ्री करना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते ट्रंप करके इन्होंने कोरोना लाए गुजरात में, तो बात करना पड़ेगा, बड़ी चीज नहीं, विकास नहीं हुआ है। ट्रंप भाई मेहरबानी से दावे, आज इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए सारा समय न्यूज नेटवर्क का सारा बड़ा।